अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बना रही हूँ घेवे के पराठे। आप मेरी रेसिपियाँ देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करें। आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझसे कहते हैं कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी। तो आप इसी तरह ये घेवे के पराठे ट्राई करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे दुआओं में याद रखें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अब हम चलते हैं कीमा पराठा बनाने के लिए। कीमा पराठा के लिए मुझे चाहिए कीमा, हरी प्याज, शिमला मिर्च, नमक, कुटीरी मिर्ची, पराठों के लिए घी, सवा जीरा और ये आ गई हमारे पास काली मिर्च। अब हम इसकी बारीक बारीक चॉपिंग करेंगे। ये देखें, ये हमारी हरी प्याज बारीक कर ली चॉप हमने, ये हमारी कैप्सिकम गई बारीक चॉप करी हमने, ये हमारे पास है कीमा जिसको बिल्कुल बारीक मैंने कर लिया है। हम 10 मिनट के लिए इसी के पानी के अंदर इसको पकाऊंगी ताकि इस पानी के अंदर हमारा कीमा गल भी जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने कीमा इतना बारीक किया है कि ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर तमाम मसाले डाल के इसको भून लेंगे।
ya estamos listos. हमारा कीमा जो आपस में बिल्कुल बारीक जैसा मैंने इसको किया हुआ था तीनों को जो शीशे दिया गया जो हमारा पकने से ढाई को भी था उसकी वो अलग होगी मसाले मामूली से मैंने स्पाइसी रखे हैं क्योंकि हम जब पराठे बनाएंगे तो उसमें ये बिल्कुल सही साइज बनेंगे। ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं बनाऊंगी पराठे। अब मैं इसकी फिलिंग करके इन पराठों को फिलिंग के बाद बेल के सेकूंगी अपने पराठे बनाना शुरू करूंगी। ये देखिए मैंने अपने पराठों में फिलिंग कर ली। हमारे कीमे के पराठे तैयार। टेस्टी लजीज मजेदार। ये हमारा है रायता सैलेड। यम्मी और टेस्टी पराठे खाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।